हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने वाले हैं आज का। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 12,489 पदों के लिए मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और किन पदों के लिए इस ज्ञापन को दिया गया है। और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी अपडेट देखेंगे कि जो राजस्व विभाग में जो कुछ पदों की स्वीकृति निकली हुई है, कौन से पदों की स्वीकृति निकली हुई है, कब इसके लिए भर्ती हो सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट टाइम पर अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो है बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी आगे वीडियोस अपलोड की जाए तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इस पीडीएफ को जारी किया गया है। डेट भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहां पर प्रति कलेक्टर को इसको जो है जारी किया गया है। विषय आप लोग देख सकते हैं, नवीन तहसील कार्यालय पसान जिला कोरबा हेतु स्वीकृत पदों के संबंध में इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग पदों की स्वीकृति दी गई है जिला कोरबा तहसील पसान के लिए, नवीन तहसील के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पद हैं, जैसे कि तहसीलदार, नायाब नाजिर, कानूनगो सहायक ग्रेड दो, वासिल बाकी नवी सहायक ग्रेड दो, सहायक ग्रेड तीन, तो इस तरह से वाचक तहसीलदार सहायक ग्रेड तीन। और भी पद हैं, जैसे कि स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड तीन, सहायक कानूनगो सहायक ग्रेड तीन, वाहन चालक भृत्य इत्यादि जो है। लगभग यहाँ पर 14 पदों के लिए इस स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। और यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट हैं वो अलग अलग वैकेंसी के माध्यम से इन जो है पदों को भरा जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे पद जो है पीएससी के माध्यम से लिए जाएंगे इसमें से, और कुछ पद जो है व्यापम के माध्यम से लिए जाएंगे, कुछ पद जो है जिला वाइज जिला स्तरीय जो है भर्तियाँ इसमें होती हैं। तो ये अलग अलग वैकेंसीज के रूप में आप लोगों को ये इन पदों पर भर्तियाँ देखने को मिलेगी। और इस तरह यहाँ पर 14 पदों के लिए नवीन जो है नवीन तहसील के लिए इन पदों का सृजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 12,489 पदों के लिए जो जो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, शक्ति जिले में मुख्यमंत्री जी का जो है कार्यक्रम था, और शक्ति जिले में जो है अभ्यर्थियों ने जाकर के वहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा है। और ये जो है प्रशिक्षित छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो भी साथीगण हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शक्ति जिले में, यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि शक्ति जिले में साथियों ने शामिल होकर 12,489 शिक्षक भर्ती का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है, ठीक है। तो ये जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए, इस वजह से इस ज्ञापन को सौंपा गया है। जैसे कि आप सबको पता है कि किसी न किसी वजह से कुछ भर्तियाँ जो है अटकती नज़र आ रही हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर और भी जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर। और फिलहाल अभी सीजीटेट की का जो है रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है, तो जैसे ही सीजीटेट का रिजल्ट जारी किया जाता है उसके बाद जल्द से जल्द जो है इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाए, ये मांग को लेकर के इस ज्ञापन को सौंपा गया है। और यहाँ पर यह भी मांग की गई है संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि किसी भी जिले या गांव में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कार्यक्रम होता है तो वहां के साथीगण इसी तरह का ज्ञापन जो है सौंपे, ताकि जो 12,489 पदों की जो भर्तियां आने वाली है शिक्षक भर्ती, उसका जो है कार्यक्रम जल्दी से जल्दी जो है तय किया जाए और सारी चीज़ें उसका वैकेंसी जल्दी निकाला जाए और सभी जो क्रियाकलाप हैं उनको जल्द से जल्द जो है संपन्न किया जाए, इस वजह से इस ज्ञापन को सौंपा गया है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने सभी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।